पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया जाने वाला फैसला देश हित के खिलाफ होने की आशंका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है जी। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। कल रात से देख रही हूँ जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए, लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है।